मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर बुधवार शाम शाजापुर जिले के सुजालपुर पहुंची। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने पर्यटन स्थल जटाशंकर महादेव मंदिर परिसर में नवनिर्मित संत निवास का लोकार्पण किया। सुजालपुर नगर महादेव मंदिर पूर्ण रूप से पर्यटन के रूप में विकसित हो चुका है। हाल ही में यहां पर संतों के रहने के लिए एक विशाल भवन का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण बुधवार शाम कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने किया। लोकार्पण के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोग मौजूद रहे। संत निवास बनने पर पर्यटन स्थल जटाशंकर महादेव मंदिर पर निवास कर रहे संतों ने भी मध्य प्रदेश शासन और स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक नायक ने सभी का आभार माना। धर्मस्य एवं पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने मंच से आम जनता को संबोधित भी किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार एवं मध्य प्रदेश मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष माखन सिंह चौहान मौजूद रहे। आदरणीय इंद्र सिंह जी भाई साहब ने जो कहा वो बात छूट कैसे सकता है, वो तो होना ही होगा। मास्टर राजे पर के देव मेरे पार माता जी की भाई साहब मेरे बहुत ही स्नेही भाई, जिनकी दृढ़ता, जिनके संकल्प और जिनकी प्रखर पारदर्शी नीति के हम सब कायम हैं। ऐसे कैबिनेट में मेरे साथी, मेरे बड़े भाई परम स्नेही इंद्र सिंह जी। सुजालपुर से दीपक सक्सेना की रिपोर्ट।